नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद से हताश हो गई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस को ऐसा इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि राहुल गांधी की एक विवादित पादरी से मुलाकात के बाद विवाद खड़ा हो गया है। He's the real God. He's a real God. That's a real globally. God reveals him as a man, human person. Not like Shakti or this or. So we see this human person, born like a man, born in this world, the Father. हम आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पादरी के साथ राहुल गांधी का वीडियो साझा करते हुए कहा है, राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले जॉर्ज पुनैया ने कहा कि ईसा मसीह ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है, ना कि कोई शक्ति या अन्य भगवान। पूनावाला ने ट्वीट किया, इस व्यक्ति को हिंदुओं के खिलाफ घृणा के लिए पहले भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था, मैं जूते इसलिए पहनता हूँ ताकि भारत माता की अशुद्धियाँ हमें दूषित ना कर सकें। पूनावाला ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान असल में भारत तोड़ो प्रतीकों के साथ है। टुडे राहुल गांधी इज नॉट एम्बार्किंग ऑन भारत जोड़ो, बट दिस इज इन फैक्ट भारत तोड़ो एंड नफरत को जोड़ो, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल ही इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू हिज यात्रीज हु आर बिकमिंग द फेस ऑफ द सो कॉल्ड भारत जोड़ो आर द लाइक्स ऑफ जॉर्ज पुनैया हु हैव स्प्यूड वेनम अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी, who have threatened the Hindu community from an open platform, and not just the Hindu community, but have even spread venom and hatred against Bharat Mata and said that Bharat Mata has infections and diseases and therefore I wear footwear to ensure that my feet don't touch the dirt and infection of Bharat Mata. Does Rahul Gandhi endorse and give platform and legitimacy to the statements of such a person who spreads hatred against Hindus? Against Bharat Mata, who said such things that he was arrested by the police for his communally loaded statements, for his statements against India. But instead we find that Rahul Gandhi was endorsing the statements of George Ponaiya. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी की हेट फैक्ट्री राहुल गांधी के संबंध में एक घटिया ट्वीट प्रसारित कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली बोगस वीडियो। व्हाट वाज सेड इन द कन्वर्सेशन हैज नथिंग टू डू विद द टेक्स्ट ऑफ द ट्वीट। वी हैव इशूड द फुल टेक्स्ट ऑफ व्हाट वाज सेड। इट इज टिपिकल मिस्चीवियस लाइज बीइंग स्प्रेड बाय द बीजेपी टू डैमेज द स्पिरिट ऑफ द भारत जोड़ो यात्रा। हम आपको बता दें कि जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या की है, वे आज सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भावना को ठेस पहुंचाने के ऐसे सभी प्रयास बुरी तरह विफल होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।